सनसेट होना बाकी था, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे सनसेट का व्यू काफी अच्छा लगता है दिखने में. सो लेट विथ मी एंड एंजॉय द सनसेट विथ मी. पहले आई है तू यहाँ पे? दुबई में आके बीच में आके कैसा लग रहा है बता, दुबई वाले बीच में आके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये मेरे लिए फर्स्ट बीच है जहाँ पे मैं आई हूँ दुबई में, तो मुझे बड़ी मजा आ रही है. फिलहाल तो बहुत धूप है, मैं सनसेट का वेट कर रहा हूँ. ला तो हो खड़ा नहीं तो मजा आ रहा है इसमें. दुनिया को उल्लू बना रही है कि मैं स्विमिंग कर रही लगी दुनिया को उल्लू बना रही है. मैं स्विमिंग कर रही हूँ. मैं स्विमिंग पढ़ा ही किया सो ठीक है. तो अच्छा लग रहा है. फीलिंग गुड. गरम गरम फीलिंग बोल क्या. हाँ अभी थोड़ी ठीक है. ये आके पूरी लाल हो गया. इसके यार मैं सोच कितनी अच्छी आ रही है. तो आज का दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि मुझे पानी ना बहुत ज़्यादा पसंद है. आई फील लाइक आई एम ए वाटर बेबी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. पता नहीं क्यों पानी को देख के ना मुझे अलग से अट्रैक्शन हो जाता है पानी को लेकर, और मुझे बहुत पसंद है पानी वाले सारे एक्टिविटीज़. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, पर मुझे डर नहीं लगता कि कहीं मैं डूब डूब जाऊँगी, ऐसा कुछ फील नहीं होता. पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लगता है मैं पानी में के अंदर ही दिन भर बैठी रहूँ. और यहाँ से जो यहाँ का सनसेट का व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और यह ना बहुत ही
मतलब हैपनिंग हैपनिंग वाला बीच है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी, सब नहा रहे थे, सनबाथ ले रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे सभी। और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था पूरी बॉडी को नहाने के बाद। सो आज का ब्लॉग बस यही एंड करते हैं। हो आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर मेरी ब्लॉग अब मेरी वीडियो सबकी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करना, एंड साथ में शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।